लोकसभा के पहले ही सत्र में खरगोन बड़वानी लोकसभा के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल ने उठाई 3500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की मांग। दिल्ली से लौटे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने, जमकर स्वागत किया। सांसद पद की शपथ लेते ही अपनी सरकार के खिलाफ इंदौर मनमाड़ रेल को लेकर सबसे पहला सवाल उठाने लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज़ादी के बाद से खरगोन संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेल सपना थी। सांसद की शपथ लेते ही सांसद गजेंद्र पटेल ने पहल की रेल को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगी है। शपथ लेने के बाद पहली बार खरगोन पहुंचे सांसद गजेंद्र पटेल ने बातचीत में दावा किया है कि रेल उनकी पहली प्राथमिकता है। बचपन से ही रेल को लेकर व्यक्तिगत पीड़ा रही है। रेल के मुद्दे में कांग्रेस नेताओं ने हमेशा छला है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत इंदौर मनमाड़ के बंद काम को लेकर संसद में सवाल उठाया था। रेल मंत्री ने 15 दिन में काम शुरू होने की बात कही है। रेल हमारे लिए सपना थी, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में निमाड़ वासियों को रेल की सौगात मिलेगी। मनमाड़ इंदौर और 2010 में तैयार खंडवा दाहोद रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की गई। दोनों की योजनाओं पर काम शुरू होगा और खरगोन बड़वानी जिले के लोगों को रेल की सुविधा मिलेगी। सांसद गजेंद्र पटेल ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को देश की आत्मा बताया है। दोनों योजना का काम शुरू होगा और खरगोन बड़वानी जिले के लोगों को रेल की सुविधा मिलेगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से मिलकर निमाड़ की जरूरतों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उसको चलाना और बढ़ाना उनकी सरकार, उन्हें बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि वंदे मातरम भारत माता की जय हमारी आत्मा है और ये आत्मा अभी से नहीं है, ये पुरातन काल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। देश की आज़ादी में भारत माता जय और वंदे मातरम जिंदाबाद के इनकलाब जिंदाबाद के नाम से इस देश को अंग्रेजों और मुगलों से हमने आज़ाद कराया। वो भारत के प्रत्येक नागरिक की प्राण है और उस नाते अगर भारत का संविधान अगर हमारे कागज़ के पन्नों पर लिखा हुआ एक मजबूत स्तंभ है तो वंदे मातरम भारत माता हमारी सबकी आत्मा है जो हमारे साथ जन्म के साथ मृत्यु तक जुड़ी हुई है। तो इसलिए भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना भारत के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। मैंने भी लोकसभा की शपथ विधि में मैंने भी अपनी पुरातन भाषा संस्कृत भाषा में शपथ ली और मैंने खुद ने भी भारत माता की जय के साथ में अपनी शपथ विधि को समाप्त किया। सदन में ओम बिरला जो कि एक सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य स्वयंसेवक थे, वो सदन के स्पीकर बने, तो क्या मोदी जी के शासन में ऐसा लगता है आपको कि जो मंत्री बनाने की प्रक्रिया, जो स्पीकर बनाने की प्रक्रिया है वो सहज हुई है और आम लोगों के लिए लोकतंत्र को सही मार्गदर्शन से पहुंचाया जा रहा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास है। जो एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और इसलिए ओम बिरला एक साधारण सा कार्यकर्ता है जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं करी, परंतु संसदीय कार्यशैली का उनको अनुभव होने के बाद में एक सहज सरल होने के नाते, एक छोटे से परिवार होने के नाते उनको भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है, इस नाते उसको उस पद के लायक है। तो भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कि जो इस पद के लायक है और जो कार्यकर्ता के नाते इस देश की सेवा करने के लिए काम करता है उसको सम्मानित किया जाता है। और इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी।